सो गाइस गुड मॉर्निंग। और आज भी मौसम फिर बन गया है बारिश का। देखो कब तक बारिश आती है गाइस। देखो मौसम ऐसा बना हुआ है, अंधेरा अंधेरा फिर हो गया उधर से, फिर बारिश शुरू होने वाली है। पता नहीं कब होती है। अभी भी छत इतनी गीली है, यहाँ पानी पानी हो रखा है। आज भी मौसम ऐसा बन गया, फिर काले काले बादल मंडरा रहे। सब सो रखे हैं इस समय, सब सो रखे हैं। चादर चुद रोड के बिल्कुल सो रखे हैं। और अब हम काम पर जा रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह चुके हैं। अरे सब सो रखे इस समय, और हम अब जाने वाले हैं। पहुंच गए हैं रोणी की तरफ, और ये नहर अब हम आ चुके हैं सेक्टर 16 के अंदर। हमने इस घर के अंदर गए, ये घर के अंदर गए, यहाँ लोग ठीक कर रहा। और गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं सेक्टर। आप पहुँच चुके हैं यहाँ पर वजीरपुर में। उस दिन हमारा ब्लूटूथ खाली डब्बा आ गया था। अब दोबारा हमारे यहाँ सर्विस सेंटर आ चुके हैं, और ये पीछे की तरफ सर्विस सेंटर है ये, और एक गेट है। अब अंदर जा रहे हैं हम सर्विस सेंटर के अंदर। अब यहाँ से निकल रहे हैं, और हमने दोनों चेंज करा दिए हैं, ठीक करा दिए, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। मार्केट में ऐसे में हम कंप्यूटर शॉप मार्केट वजीरपुर। अब हम बबलू भाई की दुकान पर आ रहे हैं। रेलिंग का काम है इनका, और इनका एक लॉक लगाना है। इन्होंने लॉक मंगा रखा है, और इनका लॉक लगाना है कालकाजी गोविंदपुरी में। अरे बबलू भाई है, रेलिंग का काम है इनका, वेल्डिंग के गेट उट सारे बनाते हैं ये। ये इनकी शॉप है। और बबलू भाई ने अब हमारे लिए चाय चुई बना दी, चाय चुई तैयार हो गई है, और मट्ठी भी साथ में बबलू भाई ने पूरे। बबलू भाई मट्ठी ने अपने पॉकेट ले रखेंगे ना, पता नहीं लड़की। अच्छा है। और ये भाई साहब यहाँ पर काम करने वाले हैं, ये बबलू भाई की दुकान है, रेलिंग का काम करते हैं, गेट उट बनाते हैं घरों के, अच्छे रेट पे बना देते हैं। बबलू भाई हैं, बबलू भाई अच्छे रेट बना दोगे ना, कोई हमारे जानकार मिलेगा तो बिल्कुल बना देंगे। बिल्कुल बना दोगे ना हमारे का, स्टील का जैसा करवाना है। अच्छा स्टील लोहे का सारे बना देते हैं। हमारा नाम लेके तो बबलू भाई थोड़ा और कम कर लेंगे, ठीक है। नाले के किनारे इनकी दुकान है, नाले की बुराड़े अथॉरिटी के पास, बैक साइड में इनके गुरुद्वारे के बगल में गुज्जर चौक पे इनकी दुकान है, बबलू रेलिंग के नाम से। अब हम घर पे पहुंच चुके हैं, और मौसम आज तो थोड़ा ठीक ही रहा, बारिश हुई थी, मौसम अंधेरा अंधेरा तो हुआ था। और गाइस गांव के खीरे, पहाड़ी खीरे फिर दो लेके आ गए हैं, दो ही पड़े थे, दो लेके आ गए हैं इतने मोटे मोटे खीरे थोड़ा। और गाइस अब इसको हम काटते हैं, और फिर से नमक भी ला रहे हैं हमने गाँव का, नमक भी मिलाते हैं अभी गाइस थोड़ी देर में। गाइस गाँव का खीरा हमने ये बना दिया, अब इसका काट दिया हमने इसको, अब इसके साथ गांव का ये नमक मिलाया जाएगा। सो गाइस ये गांव का नमक, ये पहाड़ी नमक गांव का, ये है अंदर का नमक, अब ये इसमें मिला के खाया जाएगा। हम भी अब खाने की तैयारी करते हैं, और खाने में चावल बने हुए हैं, और ये चावल और राजमा की सब्जी, चावल राजमा बने पड़े हैं। आज हम जा रहे हैं गोविंदपुरी, और अब हम पहुंच चुके हैं इस घर के अंदर, ये गोविंदपुरी में आता है। अरे आप पहुंच चुके हैं, और ये गली गोविंदपुरी। अब बबलू भाई मैं दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं लॉक लगाने के लिए, सामान हमने उतार दिया। बहुत दूर आना पड़ रहा है, गोविंदपुरी बहुत दूर है यहाँ। ओ भाई 1 घंटा से ऊपर लगे मैं यहाँ आते आते। जब हमारे यहाँ पर लॉक लग चुका है, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। और गाइस काफ़ी देर हो गई, बिजली वाले ने थोड़ा लेट कर दिया है, इसलिए यहाँ से अब निकल रहे हैं गाइस। ये गोविंदपुरी से लॉक वॉक हमारा स्टॉल हो चुका है। तो गाइस ये हमारा लॉक स्टॉल हो चुका है यहाँ पर, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।
पहुंच गए हम मुकंदपुर में बबलू भाई की दुकान पे। काफ़ी देर हो गए, एक घंटे से ऊपर हो गया हमें पहुँचते पहुँचते। दुकान काफ़ी कुछ जाम रास्ते में बहुत था, मेरा पहुंच के बबलू भाई यहाँ। अब हम अभी यहाँ से दूसरी साइडों में जा रहे हैं, गोविंदपुरी से आ चुके हैं हम। सो गाइस, अब ऑफिस पहुंच चुके हैं हम। इस समय काफ़ी थकान हो चुकी है और ऑफिस में पहुंच चुके हैं। इस समय एंट्री कर चुके हैं और ऑफिस में एक कैमरा ले जाना है यहाँ से, एक कैमरे के लिए आ चुके हैं। अब रात के 8 बजने वाले हैं और हम पतंजलि पहुँचे हैं। यहाँ से कुछ सामान लेना है, पतंजलि स्टोर पे जा रहे हैं सामान लेने। और रात हो चुकी है, 8 बजे हैं भी ले लिया अपना स्टोर से। सो गाइस, आप घर पहुँच चुके हैं और बच्चे अभी लगे हुए अपने कामों में और थोड़ा नहा धो लेते हैं। अभी खाने में क्या बना रखा है आज? हमारे लोबिया के भरे पराठे बन रहे हैं, गांव की पहाड़ी दाल की लोबिया, उसको उबाल के पीस के उसके रोटी बन रही है मस्त। और ये पतंजलि के घी भी हम ले आए हैं अभी पतंजलि स्टोर से। और गाइस, जैसे बंदे आप दिखाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है लोबिया की, गाँव के पहाड़ी दाल और उसके भरे हुए पराठे बहुत अच्छे होते हैं। गाइस, आप देखिए घी पलट रहा है इसमें, अब उधर रोटी रोटी में घी लगाने की तैयारी पे है, पतंजलि की प्योर घी एकदम। और पराठे बन रहे हैं ये गाइस देखिए, भरे पराठे। इस पराठे का स्वाद ही कुछ और होता है, खाने का मज़ा आता है खाने में, बहुत अच्छे होते हैं। पहाड़ी दाल उत्तराखंड की जो दाल है उससे बनाई जाती है, बहुत मस्त एकदम टेस्टीदार होता है। और इसके साथ अगर मंडुआ का आटा भी जो हम डाल दें इसके अंदर तो और मस्त हो जाता है। इसे भर के हैं इसके अंदर भर के, और ये अभी से आटा मिला के हुए, फिर इसको बेल के सूखा आटा मिला के इसको बेल के, ये देखिए गाइस ये हमारा परांठा एकदम करारा हो रहा है, एकदम करारा। अभी भाई साहब इधर पूरे घी कैसे निचोड़ रहे हैं, ठीक है, पूरे घी निचोड़ रहे हैं। ये बन गया हमारा एक दो परांठे बन चुके हैं। और ये पहाड़ी अचार लहसुन का अचार है उत्तराखंड का बना हुआ प्योर। परांठे तैयार हो चुके हैं, अब इसमें मक्खन और घी लगाया जाएगा। एडिटिंग मास्टर ने वीडियो ऐड करके डाल दी है, अब ये कल के लिए ये वीडियो लग रही है, डाल दिए है, अब दूसरी वीडियो लग रही है कल के लिए। अचार भी आ चुका है आम का अचार। गाइस, आज हमारे बने हैं लोबे के परांठे, गांव के उत्तराखंड की दाल के परांठे। और गाइस, अब वीडियो का 9 बज चुके हैं, अब खाने की तैयारी करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।